20 सितंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ये हमने आपको मैं दिखा रहा हूँ इस प्रेस वार्ता का जो प्रेस नोट है, और इसमें उस समय दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा किए गए उस घोटाले का जिक्र किया था, जिसके लिए आज की गंभीरता को देखते हुए माननीय उपराज्यपाल जी ने चीफ सेक्रेटरी साहब को FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ ये मामला क्या है, किस तरह दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली जल बोर्ड जो उनकी नाक के नीचे है, और दिल्ली जल बोर्ड के हमेशा वाइस चेयरमैन अरविंद केजरीवाल जी के खास सिपह सालार रहते हैं, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के बिल के कलेक्शन के लिए एक करार किया, और वो करार उन्होंने कॉरपोरेशन बैंक के साथ 2012 में किया था, और वो करार करने के बाद इसी कॉरपोरेशन बैंक के अधिकारियों ने एक दूसरी कंपनी जो विदेश की कंपनी है उस कंपनी के साथ करार किया, उसका नाम है फ्रेश पे IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेश पे IT सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उन्होंने कॉरपोरेशन बैंक ने वो कॉन्ट्रैक्ट सबलेट किया, और उपभोक्ता जो दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ता हैं वो अपना बिल जमा करने के लिए कॉरपोरेशन बैंक के इस IT सॉल्यूशन कंपनी के पास जाकर अपना बिल जमा करते थे। 2012 में करार हुआ, 2019 में दिल्ली जल बोर्ड ने ये पाया। आप देखिए कमाल की बात, 7 साल उनको होश नहीं रहा, 7 साल के बाद दिल्ली जल बोर्ड को होश आया कि जो दिल्ली जल बोर्ड ने बिल को पेमेंट के लिए एक करार किया था और उसके खाते में जो 20 करोड़ रुपया आया है, वो 20 करोड़ रुपया उनको अभी तक दिल्ली जल बोर्ड को मिला ही नहीं। यानी वो कहाँ चला गया पैसा, हो गया फ्रॉड हो गया, कुछ पता नहीं। तो दिल्ली जल बोर्ड ने कॉरपोरेशन बैंक को 2019 के अंदर ये लिखा कि आपने जो पैसा जमा किया था बिलों के माध्यम से, वो पैसा अभी तक नहीं आया। आप देखिए कमाल की बात यह है कि एक तरफ वो ये लिखते हैं कि जो 19 करोड़ रुपया जमा हुआ वो नहीं मिला, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड इस अनुबंध की अवधि को दोबारा से एक्सटेंड कर देते हैं बिना पैसे के रिकवरी के। अनुबंध की अवधि को एक्सटेंड करना ये साफ दर्शाता है कि उस मिलीभगत में दिल्ली जल बोर्ड भी और दिल्ली सरकार के अधिकारी शामिल हैं, उनके आम आदमी पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं। उनके ऊपर माननीय LG साहब ने आज FIR दर्ज करके फ्रॉड और गबन का FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं जांच करने के बाद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने फ्रॉड किया, जिन लोगों ने गबन किया, जिनको दिल्ली जल बोर्ड, आम आदमी पार्टी ने जिनको करार, जिनको एग्रीमेंट, जिनको टेंडर दिया, और जिन्होंने 20 करोड़ रुपए जल बोर्ड की उपभोक्ताओं से वसूल कर लिए, उनसे वो पैसा लेना तो दूर, कमाल की बात यह है कि दिल्ली जल बोर्ड ने न केवल उनके अनुबंध को बढ़ाया है, उनके एग्रीमेंट को बढ़ाया, बल्कि उनका जो सर्विस चार्ज 5 रुपए से बढ़ाकर उसको 6 रुपए पर बिल कर दिया। ये चौंकाने वाली बात है कि दिल्ली जल बोर्ड जो अपने उपभोक्ताओं से बिल, पानी के बिलों की जो वसूली की जा रही थी कॉरपोरेशन बैंक और फ्रेश पे
आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से उस पैसे का जो गबन हुआ वो दिल्ली जल बोर्ड ने ना तो लिया और लिया ही नहीं, उन्होंने वापस उनकी सर्विस चार्ज 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए कर दी, उनका एग्रीमेंट भी टाइम पीरियड बढ़ा दिया। ऐसे में एक बड़ा सवाल है दिल्ली सरकार के ऊपर कि दिल्ली सरकार की नाक के नीचे, अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे एक बड़ा भ्रष्टाचार, केजरीवाल का जल बोर्ड घोटाला ये सामने आया है, जिसको यहाँ पर खुद हमने 20 सितंबर 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारे साथ हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे और हमने उस मुद्दे की उस समय मांग की थी दिल्ली सरकार से कि एक बड़ा घोटाला है, इसकी इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। आज हम माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होने जा रहा है, जिसमें 20 करोड़ से अधिक की राशि जल बोर्ड की, जो जल बोर्ड को मिलने की बजाय जल बोर्ड ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन्होंने वो राशि ना तो दी है, गबन भी किया है, फ्रॉड किया है और बंदर बांट करने का खेल, जैसा कि शराब घोटाले में देखा गया, जैसा डीटीसी बस घोटाले में देखा गया, जैसे दिल्ली सरकार के अन्य घोटाले में देखा गया कि कोई भी काम करो तो बंदर बांट करके आम आदमी पार्टी के नेता और अधिकारी हर काम को भ्रष्टाचार में लिप्त होकर करते हैं। आज इस घोटाले के बाद ये लगातार स्पष्ट हो रहा है, दिल्ली की जनता ये जान रही है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए हैं, फ्रॉड का पर्याय बन गए हैं, झूठ का पर्याय बन गए हैं, ये लोगों के सामने स्पष्ट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद अफसोस की बात है कि मैंने आपको एक साल पहले बोला था, जब भी कोई इस तरह की बात होती, शराब घोटाले के बारे में भी वो यही बात कह रहे थे कि हमने तो सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सीबीआई जांच की मांग उन्होंने कभी नहीं की, ना इसकी कभी इंक्वायरी कराई। अगर इंक्वायरी कराती तो वो करार के जो उनके जिनके साथ एग्रीमेंट किया, जिन्होंने घोटाला किया, जिन्होंने जल बोर्ड के साथ मिलकर फ्रॉड किया, उनके एग्रीमेंट को वो एक्सटेंड नहीं करते। उनके एग्रीमेंट को ना केवल एक्सटेंड किया बल्कि उनके सर्विस चार्ज जो 5 रुपये प्रति बिल था उसको बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया। इसका सीधा अर्थ है कि दिल्ली जल बोर्ड और इस कंपनी में मिली भगत थी, दोनों में पैसे का लेन देन था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया।